हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस खूबसूरत सी सीसीटीवी पावर सप्लाई की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने कीमती राय से आगाह करें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। के बॉक्स पे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, चलिए इसको ओपन करते हैं। बॉक्स में सबसे पहले सबसे ऊपर एक पैक मिलता है, अंदर कुछ स्क्रूज और प्लग्स हैं, साथ में पावर सप्लाई के साथ आने वाले कुछ स्पेयर फ्यूज हैं और इसके लॉक की की है। आज एक मेटल बॉडी पावर सप्लाई है। गेट के फ्रंट पे इसका एक लॉक है और पावर आउटपुट की एक इंडिकेटर लाइट है। साइड में एक पावर इनपुट है और चार सुराख हैं जिसके जरिए आप वायर को इंसर्ट कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आने वाले पैकेट में इस सप्लाई की एक की है जिसकी मदद से आप इस कैबिन को लॉक कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर 10 एम्पीयर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई गई है जो कि 220 इनपुट लेती है। और राइट साइड पे आउटपुट की पोर्ट्स हैं, फ्यूज लगाए गए ताकि किसी भी शॉर्ट सर्किट की सूरत में का कैमरा महफूज रहे और फ्यूज ही खराब हों। सिर्फ पावर इनपुट के लिए बाहर की साइड पे एक सॉकेट दी गई है। ये तीन वायर जिनमें एक फेज न्यूट्रल और अर्थ की वायर है। पावर इनपुट के पॉइंट को आप किसी भी कंप्यूटर की पावर केबल के साथ इनपुट दे सकते हैं। पावर सप्लाई के अंदर ही एक ऑन ऑफ का स्विच मौजूद है और इसके साथ ही इनपुट के तीन पॉइंट्स मौजूद हैं और डायरेक्ट केबल के जरिए भी आप इसको इनपुट दे सकते हैं। पावर सप्लाई के गेट के अंदर वाली साइड पे एक स्टिकर अवेजा किया गया है। स्टिकर के ऊपर इसकी सर्किट डायग्राम मौजूद है। इस सर्किट डायग्राम की मदद से आप इस पावर सप्लाई के कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन 8 पॉइंट में से हर एक पॉइंट में 0.5 एम्पेयर करंट निकलती है। अगर आपका कैमरा 2 एम्पेयर या 1 एम्पेयर की करंट लेता है तो आपको दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।